प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर बैठक हुई। शाम 6:30 के करीब कश्मीरी नेताओं के साथ ये बैठक खत्म हुई। बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद केंद्र के सभी नेता, राज्यपाल, सभी लोग पीएम आवास से बाहर आ गए। बैठक के बाद पीएम मोदी को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिले और विधान चुनाव जल्दी कराए जाए। मुजफ्फर हुसैन बेग ने बताया कि बैठक में पता चला कि 370 खत्म होने के लिए विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे कुछ नहीं कहा। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आज अच्छी माहौल में बैठक हुई। पीएम और गृह मंत्री ने सबकी बातें सुनी और कहा कि डिलिमिनेशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव प्रक्रिया की जाएगी।